भाजपा युवा मोर्चा सोलन के मंडल अध्यक्ष पर सोमवार को दो व्यक्तियों द्वारा की गई मारपीट को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने सोलन शहर में रोष रैली निकाली। इस रैली में युवा मोर्चा के सभी सदस्यों ने भाग लिया। रैली के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। इस रैली को युवा मोर्चा द्वारा पुराने बस अड्डे से शुरू किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिमन्यु शर्मा ने कहा कि बीच बाजार में मंडल अध्यक्ष पर हमला होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता उनके साथ हैं। उन्होंने शक जाहिर किया कि बीजेपी से जुड़े होने के कारण भी यह हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा किसी प्रेशर के कारण हमलावरों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीजेपी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण नेता हमारे साथ हैं। उनकी पूर्ण कोशिश के बावजूद भी, उनके कई टेलीफोन करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पुलिस किसी ना किसी प्रेशर में है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को इस समय कुछ समझा ही नहीं जा रहा। अन्याय और न्याय की बात तो दूर, इस समय बीजेपी के ठप्पा होने के कारण भी शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि मंडल अध्यक्ष पर हमला शायद इसीलिए कारण ना हुआ हो। ऐसे माहौल में जहां मुकेश शर्मा जैसी मंडल अध्यक्ष, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के मंडल अध्यक्ष को कोई सुरक्षा नहीं है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी, ये सवाल मैं प्रशासन से करना चाहता हूं। और मानता हूं कि अगर ऐसा वातावरण और ऐसा माहौल आगे भी चलता रहा तो पुलिस व प्रशासन से आम जनता का विश्वास उठने तो लगा ही है, और कम्प्लीटली उठ जाए ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस हमारा सहयोग करे और जिन आरोपियों को, गुंडों को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर छोड़ा गया, उन्हें अरेस्ट करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। गौर है कि सोमवार शाम के समय भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा पर दो युवकों ने हमला किया था, जिसमें मुकेश शर्मा को चोटें आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन।